दोस्तों जैसा कि आज 21 मार्च है, 21 मार्च से जितने भी आपके करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्री सार डेली की तरह मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि स्टार्टिंग के आपके 5 सेकंड की अवधि आपको दी जाती है आपको क्वेश्चन के आंसर को बताने के लिए। अगर इस निश्चित अवधि के अंतर्गत आप नहीं बता पाते आंसर तो आपको राइट आंसर बता दिया जाता है। देखिए आपका पहला क्वेश्चन आज का है, देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड 19 पर अंकुश लगाने के लिए लोगों से किसके लिए अपील की। देखिए चार ऑप्शन, किसे एक ऑप्शन चूज करना दोस्तों। समय शुरू होता है अब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनता कर्फ्यू। देखिए जनता कर्फ्यू का मतलब क्या हुआ, जनता कर्फ्यू मींस अ कर्फ्यू फॉर द पब्लिक एंड बाय द पब्लिक। कहने का मतलब यह कि जनता पर लगाया गया कर्फ्यू जो है जनता द्वारा ही लगाया गया जनता के हित के लिए जनता द्वारा ही लगाया गया कर्फ्यू है जिसका नाम जनता कर्फ्यू लिया रखा गया है। और इसको रखा क्यों गया है, क्योंकि ये कोविड 19 है उस पर रोक लगाने के लिए, उसके प्रतिबंधन के लिए इस जो है जनता कर्फ्यू नामक एक मुहिम चलाई जा रही है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। देखिए इसके अंतर्गत करना क्या होगा, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट ताली व घंटी बजाकर खतरे के बीच काम करने वाले डॉक्टर्स, नर्स, स्टाफ, सफाईकर्मी का हौसला बढ़ाएं। देखिए आपको तो कोरोना वायरस का डर की वजह से आपको घर पर रखा जा रहा है, लेकिन जो आपके लिए कार्य कर रहे हैं वो उनके लिए आप उनके प्रोत्साहन के लिए आप घंटी बजाएं या ताली बजाएं या फिर उनका प्रोत्साहन किस माध्यम से कर सकते हैं वो सारा कुछ करना है आपको। सेकेंड क्या है, 60 से 65 साल के बुजुर्ग कुछ हफ्ते के लिए घर के अंदर ही रहें कोविड 19 के चलते हुए। रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल जाने से बचें, जरूरी न होने पर सर्जरी की तारीख को आगे बढ़ाएं, दबाव ना बढ़ाएं डॉक्टर पे, कोरोना वायरस की प्राथमिकता भी ना दें। उच्च आय वर्ग जिनमें से सेवाएं लेता है उनके आर्थिक हितों को ध्यान रखें, आने वाले दिनों में वे दफ्तर ना आए तो उनका वेतन ना कटे, उनके परिवार को भी चलाना जरूरी है, जरूरी चीजों की कमी ना होगी, इन्हें बेवजह इकट्ठा ना करें। देखिए कहने का मतलब कोरोना वायरस के इफेक्ट से लोग घर से बाहर नहीं निकलना चाहते, इसलिए ज्यादा से ज्यादा सामान जो है घर पे डंप कर ले रहे हैं अनावश्यक। तो दोस्तों ज़्यादा सामान अपने घर पे मत डंप कीजिए जिससे कि मार्केट में प्रॉब्लम्स आए, तो एक आप कोरोना के साथ साथ फिर प्रोडक्शन की भी मांग बढ़ने लगे, प्रोडक्शन की मांग बढ़ने के बाद अगर उसकी मांग ना पूर्ति की जाए तो फिर एक प्रकार की समस्या उभरे। तो दोस्तों इसके बचने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के एक मंत्री को हटाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग किया। देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मणिपुर के एक मंत्री हैं जो कि वन विभाग के मंत्री थे। संविधान जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है, संविधान के 142 अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो है शक्ति का प्रयोग किया है। देखिए आपके जो ये मंत्री रहे हैं श्याम कुमार सिंह जी को, ये इनको जो है दल बदल, आपने एंटी डिटेक्शन लॉ सुना होगा, दल बदल जो अधिनियम था 1985 में आया था, 52वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आपके दल बदल अधिनियम को जोड़ा गया है। दल बदल अधिनियम के उल्लंघन करते हुए श्याम कुमार सिंह जो आपके 2017 में इन्होंने कांग्रेस की जो पार्टी थी, कांग्रेस की पार्टी छोड़ के बीजेपी को शामिल किया, बीजेपी में इन्हें वन विभाग का अधिकारी और मंत्री बना दिया गया, जिसके चार साल बाद जो है 21 जनवरी 2020 में जो है इनको मंत्री के पद से पदच्युत कर दिया गया है। किसके द्वारा पदच्युत कर दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 142 के जो शक्तियाँ सुप्रीम कोर्ट को मिलती है उसके तहत जो है इस मंत्री को पदच्युत कर दिया गया है, बीजेपी के जो मंत्री पद पर रहा उससे हटा दिया गया है। देखिए मैं बात करूँ दोस्तों आपके अनुच्छेद 212 ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी न्याय को लेने में जो आपके लेजिस्लेटिव मतलब कहने का मतलब कि संसद के कार्यों में दखल देने की कोई उसको जो है अनुमति नहीं है। इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है एट बॉर्ड्स कोर्ट ऑफ इंक्वायरीज, कहने का मतलब है बॉर्ड्स का मतलब ये होता है कि वो हस्ताक्षेप नहीं कर सकता, उसके ऊपर प्रतिबंध है, संसद द्वारा कोई भी बिल पारित होता है तो उस पर रोकथाम वो नहीं लगा सकती। लेकिन ये भी है कि अनुच्छेद 142 के अंतर्गत विवेकाधीन शक्ति अपनाकर जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है वो अपना न्याय दे सकता है, उसी के अंतर्गत जो है अभी
फिलहाल में बीजेपी के एक मंत्री थे, वन विभाग के मंत्री मणिपुर के, वो कांग्रेस से जो बीजेपी में चले आए थे, तो उन्हें पदच्युत कर दिया है सर्वोच्च न्यायालय ने। अपनी विशेषाधिकार जो उसकी विशेष शक्तियां हैं अनुच्छेद 142 के अंतर्गत। तो देखिए दोस्तों, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको अपने माइंड में कंप्लीट कर लीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ सर्वोच्च न्यायालय की, मैं बात करूँगा सुप्रीम कोर्ट का जो दिया गया है संविधान में, इसका जो पद है भाग पाँच में अनुसूची जो है इसकी 124 से 147 के अंतर्गत इसका जो है पद दिया गया है। अगर मैं बात करूं भारत के पहले जो चीफ जस्टिस थे हीरा लाल जी कानिया जी थे, पे अगर मैं बात करूँ 47वें जो अभी इससे पहले थे SA बोबड़े जी, वर्तमान में जो हैं SA बोबड़े जी, अगर मैं 46 की बात करूँ 46वें स्थान पे कौन रहे, तो 46वें स्थान पे आपके रंजन गोगोई जी रहे हैं। उनकी अध्यक्षता में बहुत सारे बड़े बड़े फैसले लिए, अयोध्या केस हो या धारा 370 हो, तो ये जो है आपकी किसकी अध्यक्षता में ली गई थी, तो ये आपके रंजन गोगोई जी की अध्यक्षता में ली गए थे। ये सर्वोच्च न्यायालय के 46वें क्रम के जो है सर्वोच्च जज थे। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं भारत की प्रथम महिला जज, यहाँ न्यायाधीश की बात कर रही है की जा रही, चीफ जस्टिस की बात नहीं की जा रही, यहाँ के ओनली फॉर जस्टिस की बात की जा रही। तो भारत की पहली जो जस्टिस महिला जस्टिस थी फातिमा बीबी जी थी। अगर मैं बात करूँ 46वें से पहले 45वें क्रम के जो आपके CJI थे, तो आपके दीपक मिश्रा जी हैं। अगर मैं बात करूँ दोस्तों आपके कोर्ट की स्थापना की बात मैं करूँ, तो दोस्तों आपकी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई, सबसे पहले तो 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना की गई थी, और ये आर्टिकल्स 124 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 में की गई। अगर मैं बात करूं दोस्तों निर्वाचन आयोग भी एक ऐसा फैक्ट है जो आपकी परीक्षा में पूछा ही जाता है, तो इसलिए मैंने निर्वाचन आयोग को भी लिया है। निर्वाचन आयोग की जो स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950, देखिए अपना देश का जो 26 जनवरी 1950 का संविधान लागू हो गया, गणतंत्र घोषित कर दिया गया भारत को अपने, लेकिन में बहुत सारी ऐसी शक्तियां वाले संस्थान थे जैसे सुप्रीम कोर्ट हो या फिर निर्वाचन आयोग है, तो इनका भी जो है उन्हीं के एक आध दो दिन आगे पीछे जो है 25 जनवरी 1950 निर्वाचन आयोग हुआ, 26 जनवरी गणतंत्र घोषित किया गया, 28 जनवरी को आपके सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई। तो यहां से तीन के तीनों फैक्ट आपके निकल के सामने आते हैं। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों वर्तमान में आपके सुप्रीम कोर्ट में जितने आपके जज हैं, जजों की बेंच में सब टोटल संख्या कितनी है, तो वर्तमान में जो जजों की संख्या है वो आपकी 34 है। अगर मैं बात करूं ये अगर एक आपका CJI होता है और बाकी 34 जो होते हैं तैंतीस अन्य जज होते हैं, 33+1 मिला के 34 टोटल जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये आपके 2019 से निर्धारित किया गया, अगर 2019 से पहले की मैं बात करूं तो टोटल आपके 30 जो होते हैं अन्य जज होते थे, एक आपका CJI होता था, टोटल मिला के आपकी सुप्रीम कोर्ट की पूरी जानकारी मैंने दी। देखिए मैं बात करूं मणिपुर की बात हो रही थी, मणिपुर से ही आपके जो है उस मंत्री को हटाया गया था, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, लोकसभा सीटें 2, विधानसभा सीटें 60, राष्ट्रीय उद्यान आपका आ जाएगा केबुल आमजा हो जाएगा। राज्यपाल की मैं बात करूं तो राज्यपाल आपका नजमा हेपतुल्ला जी आपकी क्या हो जाएंगी, राज्यपाल हो जाएंगे, और राज्यसभा सीटें 1 है। अगर मैं बात करूं भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, तो केबुल लामजाओ है। केबुल लामजाओ आपका कहां का है, ये आपका मणिपुर का है, जो कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों यहां से जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते थे वो सारे क्लियर कराए। एक बार मैं फिर से रिवाइज कराता हूं क्या सर्वोच्च न्यायालय ने क्या है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के एक मंत्री को हटाने के लिए संविधान अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का आमंत्रित किया। सुप्रीम कोर्ट राज्य मंत्रिमंडल से धनु ओजम श्याम कुमार सिंह को हटा दिया है और उन्हें अगले आदेश तक विधानसभा में प्रवेश करने पर रोक दिया गया है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के अंतर्गत अपनी विशेष शक्तियों का यूज करते हुए आपके श्याम कुमार सिंह यानी धनु ओजम श्याम कुमार जी को मंत्री के पद पर हटा दिया गया। ये वर्तमान में बीजेपी के जो है वन्य मंत्री थे। अगर अब थोड़ी सी और जानकारी, यहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने और क्या बातें कही हैं, मंत्री के खिलाफ एक आयोग याचिका 2017 के बाद से अध्यक्ष के पास लंबित की गई थी, लेकिन अध्यक्ष उचित समय अवधि के भीतर निर्णय लेने में विफल रहा है। 21 जनवरी 2020 के
आदेश में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदान की गई 4 सप्ताह की निर्धारित समय अवधि के भीतर अध्यक्ष को कोई निर्णय लेने से विफल रही, जिसके द्वारा जो है अनुच्छेद 142 के माध्यम सुप्रीम कोर्ट ने उसे उस मंत्री को खुद ही हटा दिया अपने विवेकाधीन शक्तियों को अपनाते हुए और धारा अनुच्छेद 142 के विशेषाधिकार शक्तियों के तहत। तो दोस्तों यहाँ से आपके सारे फैक्ट क्लियर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने किस धर्म के अध्ययन, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संस्थान की स्थापना की है। देखिए 4 ऑप्शन है, किसी एक ऑप्शन चूज करना है आपको। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म के जो संस्कृत मंत्रालय है इसके बढ़ावा देने के लिए, इसके अध्ययन कला और संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत मंत्रालय ने घोषणा कर दी है। देखिए मैं बात करूँ CIHCS, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इसका फुल फॉर्म होगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय सेंट्रल, दोस्तों कल्चरल स्टडीज होगा। कल्चरल स्टडीज क्या फुल फॉर्म है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय कल्चरल स्टडीज होगा। ये खोला कहाँ पे जा रहा है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश के ढ्यूंग में खोला जा रहा है। CIHCS का फुल फॉर्म क्या होगा, इसका फुल फॉर्म होगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय कल्चरल स्टडीज, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, जो कि आंध्र प्रदेश में खोला जा रहा है। और किसके लिए खोला जा रहा है, किसके द्वारा खुलवाया जा रहा है संस्कृत मंत्रालय द्वारा, और धर्म के अध्ययन कला और संस्कृत को बढ़ावा देने हेतु। यदि मैं बात करूं दोस्तों आपके बौद्ध धर्म के अगर मैं बात करूं, तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से लेके आया हूं, जो आपके परीक्षक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण, नॉलेज की दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण। अगर मैं बात करूं बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक आपके दोस्तों महात्मा बुद्ध जी हैं। महात्मा बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था, महात्मा बुद्ध जी का जन्म 566 BC में लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी आपका कहाँ पड़ता है, तो लुम्बिनी आपका नेपाल में पड़ता है। 566 ईसा पूर्व जो आपका लुम्बिनी नामक जगह है वह नेपाल में पड़ता है, वहाँ पे आपके महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ। 29 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था महात्मा बुद्ध जी ने, जिसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ये आपके परिचय दृष्टिकोण से बहुत ही महत्व। 35 वर्ष की उम्र में ही बौद्ध जी को, यानी महात्मा बुद्ध जी को जो है ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है बौद्ध धर्म में, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाएंगे कि आपके जो बौद्ध धर्म में जो बौद्ध महात्मा बुद्ध जी को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में, तो बौद्ध धर्म में आपको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगर मैं बात करूँ बोध गया बिहार में इनको जो है धर्म की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहाँ पर हुई, तो ये आपका आ जाता है बिहार की एक बनियान ट्रीज़ बोले तो बरगद का पेड़ था। बरगद के पेड़ के नीचे, जो कि निरंजना नदी के जस्ट किनारे हैं, उसी के नीचे, जिसको नाम बोधि ट्रीज दिया गया है, उसी के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 483 BC में इनकी मृत्यु हो गई कुशीनगर। कुशीनगर आपका कहाँ पड़ता है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इनकी मृत्यु को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म में कोई भी व्यक्ति मृत्यु होती है उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो यहाँ किससे आपके बहुत सारे फैक्ट निकल के आए, महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन और महापरिनिर्वाण। तो इसको बहुत विशेष तरीके से आप अपना रिमाइंड कर लीजिएगा, अपने में बैठा लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे। फिर मैं बात करता हूं यूनेस्को के विश्व धरोहर में बौद्ध धर्म की 4 जगहें हैं जिन्हें जो है स्थान दिया गया है यूनेस्को के विश्व धरोहर में। देखिए टोटल तो दी गई हैं 30 आपकी जो है कल्चरल हैं, और 7 ऐसे नॉन हैं, और 1 मिक्स है। मिक्स में आपका कौन सा आ जाता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो टोटल मिला के आपके 38 विश्व विरासत में, जो आपके यूनेस्को के विश्व विरासत में भारतीय स्थल को घोषित किया गया, जिसमें से 4 आपके बौद्ध धर्म से हैं। बौद्ध धर्म से पहला आपका आ जाता है आपका जो आ जाता है कौन सा, आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ नालंदा, जो कि नालंदा आपका बिहार में है पहली साइट, इसे विश्व धरोहर में घोषित किया गया। और दूसरी यूनेस्को के विश्व धरोहर में घोषित किया। दूसरा है बुद्धिस्ट माउंट, ये आपका कहने का मतलब यह कि बौद्ध धर्म का जो आपका बौद्ध स्तूप है, जिसको हम सांची का स्तूप भी कहते हैं, ये सांची में है बौद्ध स्तूप है, जिसको जो कि सांची में है, और सांची कहाँ आपके MP में है। तो ये दूसरी साइट थी जिसको विश्व धरोहर में शामिल
किया, और तीसरी आपकी अजंता केव्स यानी अजंता की गुफाएं जो आपकी महाराष्ट्र में, इसको भी यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया। और चौथी लास्ट आपकी आ जाती है महाबोधि टेम्पल। महाबोधि टेम्पल आपका दोस्तों ये जो कि आपका बिहार में पड़ता है, जो कि महाबोधि टेम्पल को भी आपके यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो टोटल आपकी 36 है, सॉरी दोस्तों आपकी टोटल 38 साइटें हैं। 38 साइटों में 4 साइटें बौद्ध धर्म से रिलेट करती हैं, जो कि आपके यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल की गई है। तो दोस्तों आपके इतने बौद्ध धर्म से जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते थे आपके परीक्षक दृष्टिकोण से, सारे सारे मैंने अवेलेबल कराए हैं। आपका कर्तव्य है पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में राज्यसभा ने निम्नलिखित में से किस प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग विधेयक पारित कर दिया है। देखिए चार ऑप्शन, किसे एक ऑप्शन चूज करना, फटाफट राइट आंसर बताइए दोस्तों इसका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, मेडिसिन एंड होम्योपैथी यानी चिकित्सा और होम्योपैथी। चिकित्सा और होम्योपैथी को राज्यसभा ने निम्नलिखित में से जो है राष्ट्रीय आयोग घोषित कर दिया गया है। इसमें क्या कहा गया है, हाल ही में राज्यसभा ने क्रमशः भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के लिए अलग अलग आयोगों की स्थापना के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NCIM विधेयक 2019 के लिए राष्ट्रीय आयोग होम्योपैथिक विधेयक 2019 के लिए राष्ट्रीय आयोग पारित कर दिया गया है। नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन NCIM का फुल फॉर्म हो जाएगा, विधेयक 2019 पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक बार फिर निकाय के साथ मौजूदा नियामक सेंट्रल काउंसिल फॉर इंडियन मेडिसिन यानी CCIM की जगह लेना चाहता है, जबकि नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी को बदलना है, जो कि होम्योपैथी के लिए वर्तमान नियामक निकाय है। तो दोस्तों इतने सारे फैक्ट जो आपके निकल के आ सकते थे, वो सारे के सारे मैंने फैक्ट सुनाए पढ़ के, जो कि राज्यसभा द्वारा जो है घोषित किए गए हैं। तो आपका कर्तव्य बनता है कि दोस्तों इस वीडियोस को पूरा देखें। अगर मैं बात करूं कि ये बिल पारित कैसे होता है, तो बिल पारित करने का मैं एक सिस्टम एकदम इजी तरीके से बताता हूं, आपको रिलेट हो जाएगा, याद हो जाएगा। लोकसभा में यदि बिल पास किया गया तो उसको राज्यसभा से भी पास होना पड़ेगा, फिर उसको जो है के पार्लियामेंट में जाएगा। अगर राज्यसभा में पारित हुआ तो लोकसभा में जाना पड़ेगा, फिर आपके पार्लियामेंट में जाएगा और बिल लागू हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने किस लड़ाकू विमान के 83 और 19 संस्करण को खरीद की मंजूरी दे दी है। देखिए इसमें चार आंसर है, किसी एक ऑप्शन चूज करना, फटाफट राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेजस विमान के उन्नत संस्करण के 83 विमानों को खरीदने की मंजूरी दे दी है, बनाने की मंजूरी दे दी है DAC ने। इसमें 38,000 करोड़ रुपए की लागत से CC ऑन सिक्योरिटी मेक इन इंडियन द्वारा बनाया जाएगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये आपका जो उन्नत विमान है, उन्नत विमान जो आपका तेजस है, मेक इन इंडिया नहीं है, भारत द्वारा निर्मित विमान है, जिसके 83 और 19 संस्करण बनाए जाएंगे, डीएसी ने मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत सरकार ने किस प्रकार के प्रमाण पत्र पर धारकों को बोनस अंक देकर पैरा सैन्य बलों को शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया। देखिए तीन ऑप्शन, किसी ऑप्शन चूज करना है। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी NCC नेशनल कैंडिडेट कॉर्प हो जाएगा। इसे जो है NCC के तहत जो है आपके इस NCC के तहत प्रमाण पत्र के तहत जो है सैन्य बलों में इनको शामिल कर लिया जाएगा, इन्हें 5% की छूट दी जाएगी यदि इनके पास NCC C सर्टिफिकेट है तो, यदि NCC B सर्टिफिकेट है तो इन्हें आपके 3% छूट दी जाएगी आपके जो आपके सैन्य बलों में। यदि मैं बात करूं इनके पास NCC A सर्टिफिकेट है तो इन्हें 2% की छूट दी जाएगी सैन्य बलों में, जैसे कि SI हो गया आपका और आपका जो आपका कांस्टेबल हो जाएगा। तो अभी तक तो आर्मी में दी जाती थी, लेकिन अब SI और कांस्टेबल में भी इनको छूट दी जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉसकॉम ने हाल ही में निम्नलिखित में से किसके साथ इनोवेट फॉर एक्सेसिबल इंडिया अभियान शुरू किया। देखिए चार ऑप्शन, किसे एक ऑप्शन चूज करना, फटाफट राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए, माइक्रोसॉफ्ट की संस्थापक सभी को पता होगा बिल गेट्स, जो कि दुनिया के सबसे जो अमीर व्यक्तियों की सूची में पहले स्थान पे थे, लेकिन वर्तमान में उनका जो पोजीशन है काफ़ी डाउन हो गया। पहले स्थान पे आपके जेफ बेजोस हो गए हैं, लेकिन इसका राइट आंसर माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा, जो कि नॉसकॉम ने जो हाल ही में इनोवेट फॉर एक्सेसिबल इंडिया अभियान को शुरू किया है। इसमें होगा क्या,
इसके माध्यम से जितने भी दिव्यांग लोग हैं, जैसे कि मेडिटेशन सेंटर है वहाँ तक जाना है किसी दिव्यांग व्यक्ति को, या फिर स्टेशंस पे है, या फिर कहीं ऐसी जगहों पे है जहाँ उसे आने जाने की समस्या होती है, तो इसके निवारण, इसके निजात के लिए नॉसकॉम ने दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर इनोवेट फॉर एक्सेसिबल इंडिया अभियान शुरू किया है, जिसमें कि आपके दिव्यांगों को सहायता मिलेगी एक जगह से दूसरे जगह जाने में, उन्हें प्रोवाइड कराई जाएंगी बहुत सारी मशीनें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत का मरमर का शहर कहे जाने वाले किस शहर को हाल ही में RCS उड़ान योजना के तहत विमान सेवा से जोड़ा गया। देखिए, उड़े देश का हर नागरिक, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा उड़ान। इसका राइट आंसर हो जाएगा किशनगढ़। किशनगढ़ को भारत का संगमरमर भी कहा जाता है, और इसके तहत में क्या किया गया है, उड़े देश का हर नागरिक योजना जो है लॉन्च किया गया, जहाँ पर आपके लिफ्ट सुविधा शुरू की जाएगी। देखिए, यहाँ पे आपका भारत का संगमरमर जो किशनगढ़ है कि कहा जाने वाला जो शहर है किशनगढ़, किशनगढ़ में एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनी हुई है जो आपको मैं दिखाता हूँ। इस पेंटिंग ये पेंटिंग हाथों के द्वारा बनाई गई पेंटिंग है, जो आपकी भारत की मोनोलिसा कहा जाता है। इसको भारत की मोनोलिसा कहा जाता है, इसको बड़ी ठंडी भी कहा जाता है। तो यहाँ से इतना भी आपको क्लियर हुआ, लेकिन किशनगंज के बारे में और कुछ बताता हूँ। किशनगढ़ चित्रकला शैली एक स्कूल है जो आपका किशनगढ़ में, जो कि वर्ल्ड फेमस स्कूल है, और वर्ल्ड फेमस मैंने आपको ये चित्रकला भी दिखाई थी। देखिए, राजस्थान की बात हो रही थी, राजस्थान की राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, लोकसभा सीटें 25, विधानसभा सीटें 200, राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का, रेगिस्तान केवला, देवघाना, रणथंभौर, मुकुंद्र हिल्स, और राज्यपाल का राज मिश्र हो जाएंगे, राज्यसभा सीटें 10 हो जाएंगी। तो इतनी सारी मैंने आपको फैक्ट क्लियर कराया। और अरावली सबसे ऊंची जो चोटी है, उस अरावली पर्वत सबसे ऊंची चोटी, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए हमें फटाफट। मुझे अच्छा लगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन को भी ध्यान दे रहे हैं। और अरावली जो पर्वत है, इसका जो मैं कहूँ कि ये उत्पन्न कहाँ हुआ, इसका उद्भव कहाँ हुआ पे, तो ये आपका राजस्थान में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुध फैक्ट्री दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ऑर्डनेस फैक्ट्री बोले, आयुध फैक्ट्री बोले तो जहाँ पे हथियार बनते हैं, हथियार फैक्ट्री दिवस कब मनाया गया, तो दोस्तों आपका राइट आंसर आपका 18 मार्च, 18 मार्च को आयुध फैक्ट्री दिवस मनाया जाता है। 2019 में इसका 2019वां स्थापना दिवस मनाया गया, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट गवर्नमेंट ऑपरेटिव जो ऑर्गेनाइजेशन है आपका आयुध फैक्ट्री, ये दुनिया की सबसे बड़ी सरकार द्वारा चलाई जा रही फैक्ट्री है, जो कि अपने भारत में यहाँ पे 80,000 से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं। इसके अधीन 41 फैक्ट्रियाँ हैं। 1801 में इसकी स्थापना की गई थी कोलकाता में। तो इतने सारे फैक्ट्री यहाँ से निकल के आते हैं जो आपको मैंने प्रोवाइड कराया। दोस्तों आप इस वीडियो को देखिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क सुरक्षा मीडियम फॉलोशिप 2019 में संयुक्त रूप से शीर्ष पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो दोस्तों चार ऑप्शन, किसे एक ऑप्शन चूज कीजिए, राइट आंसर क्या होगा फटाफट बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राची सालवे और प्रदीप द्विवेदी। प्राची सालवे और प्रदीप द्विवेदी को सड़क सुरक्षा जो मीडिया फेलोशिप 2019 में संयुक्त रूप से इनको पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में सरकार ने ओलंपिक और पैरालंपिक के बराबर किस खेल को टूर्नामेंट मान्यता दे दी है। चार है ऑप्शन, एक ऑप्शन चूज कीजिए दोस्तों। बड़ी खुशी की बात है, जो कि बहुत अच्छी सोच है कि सरकार ने ऐसी नीति अपनाई कि जिसे आप लोगों मुकबाधिर लोग को देख पा रहे होंगे कि मुकबाधिर लोग की जीवन कैसी है, उनके लिए अच्छा कदम उठाया गया। मुकबाधिर लोगों को मुकबाधिर ओलंपिक नाम से भी एक टूर्नामेंट चलेगा, जो ओलंपिक के समकक्ष पैरा ओलंपिक के समकक्ष माना जाएगा। यदि मैं बात करूं मुकबाधिर ओलंपिक के तहत जो आपका गोल्ड मेडल अगर जो जीत के लाएगा 75 लाख की राशि दी जाएगी, अगर सिल्वर जीत के लाएगा तो 50 लाख की राशि दी जाएगी, यदि कांस्य पदक जीत के लाएगा ब्रॉन्ज मेडल पर 25 लाख की राशि दी जाएगी। तो दोस्तों यहां से इतने सारे फैक्ट मैंने क्लियर कराए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे प्लीज मेरे करंट अफेयर की वीडियोस को डेली देखते रहिए, और आपको ट्रिक भी मिलती है डेली। तो ट्रिक क्या है आज की, राज जिनसे कर्क रेखा होके गुजरती है, इसकी शॉर्ट ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। मित्र से मी से आपका आज हो जाएगा मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, मित्र हो जाएगा पर से पा से पश्चिम बंगाल, राज से राजस्थान,
गमछा से गा से गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। तो इस प्रकार से आपकी ट्रिक भी कंप्लीट हो जा रही है। यदि एक ट्रिक और चाहिए तो आप मगरमच्छ झपटा में आपके इस कर्क रेखा के सारे राज्य आ जाएंगे। और आज के महत्वपूर्ण दिवस, पहली बात तो 20 मार्च है, अंतर्राष्ट्रीय खुशी का दिन है जो कि कल था, और 21 मार्च आज है जो कि नस्ली भेदभाव उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, जो कि विश्व उन्मूलन भेदभाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपके मैं बात करूं 22 मार्च तो विश्व जल दिवस, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।